What the the hell is going on in in, in the Republic of Pakistan? Number one, mm -hmm. number two, पे mm -hmm. है, is not in it. जिन हालात में, में बांग्लादेश लिबरेट हुआ तो औरतों के साथ जो ओ सतम हुआ जो तशद हुआ जो हुआ जो वायलेंस हुई जो कत्लो ग तमाम मजहबी जमातें जनरल रियालक के साथ हो गई थी औरतों और पर शदीद मजालम किए गए जिया के टाइम में और कुछ जिना रिलेटेड रूल बहुत सारी औरतों को हरास किया जा रहा था जे, जे यू एन जेड़ा जित्ते जे उदे नाल लिख-लिख के लिख-लिख के भेजा कि जी एट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिपील करवा दो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लेट अस गो बैक टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अ प्रोग्रेसिव लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हम अगर औरतों की बात कर रहे हैं और मजहबी अकलीतों की बात कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव आ, रोशन ख्याल मर्दों को नहीं भूलना चाहिए

जिसमें प्रेजडिस के बारे में पाकिस्तान की स्टडी की थी और हम आई थिंक वी टॉप दैट स्टडी कि 99.81 परसेंट ऑफ़ पाकिस्तानीज़ हेल्ड सम परसेंट ऑफ पाकिस्तानीज और प्रेजडस्ट व्यू अगेन दैट दैट्स द स्टडी साइड बट दिस वायरेट और फिर थॉमसन राउटर्स की एक स्टडी हुई थी ट्वेंटी में जिसमें वी वर दिक्सथ मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वूमेन ऑब्वियसली दीजार हॉर्बल प्लेज टू स्टार्ट लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो है और उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं um, आपको लगता है पाकिस्तान में आप काफ़ी अरसेविज़म कर रही हैं इम्प्रूवमेंट्स इन दिस स्पेस आ रही हैं इज़ इट बिकमिंग अ सेफर प्लेस फॉर वेमेन आर वी गोइंट गो फ्राम सिक्स टू सेवन टू एट्थ और आर वी गोइंट गो फ्राम सिक्स टू फिफ्थ वॉट ऑन ग्राउंड क्या फील क्या, क्या हो रहा है आपको असलम uh, hmm. बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मधु किया दावत दी और मेरे लिए से एज़ाज़ है आज आपके पॉडकास्ट में शामिल होने से आ, सवाल जो आपने जिससे शुरू किया वो शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक शुमार डेटा है जी हम क्या सिक्स्थ फ़िफ्थ चले जाएंगे या टेंथ या नीचे चले जाएंगे और ये क्यों है और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये साउथ एशिया में इतने सारे मामालिक क्यों है बिल्कुल करने की बात है कि बांग्लादेश क्यों नहीं है और वो इसलिए चलें अच्छी बात से शुरू करते हैं फिर फिर सैड बातों में बाद में चले जाएंगे वो इसलिए नहीं है बांग्लादेश क्योंकि जिन हालात में 1971 में बांग्लादेश बरेट हुआ पाकिस्तान से और कयाम में आया उस वक्त औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था कहा जाता है भी यू नो आर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स फ्राम बोथ साइड फ्राम बांग्लादेश एंड फ्राम पाकिस्तान के ढाई लाख औरतें रेप हुई थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और जो मौलवी थे उन्होंने साइड किया था विद द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री बहुत सारे मौलवी जहाँ पे रिलीजस पोलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में उन्होंने पाकिस्तान फौज के साथ किया था साइड किया था उस वक्त आपको याद है या पता होना चाहिए कि मार्शल लॉ था मिलिट्री रोल था डिक्टेटरशिप थी जी। तो जब ये सब चीज़ें हम कंबाइन करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो औरतों के साथ जो जुल्मतम हुआ जो तशद हुआ जो हुआ जो वायलेंस हुई जो कत्लो गारत हुआ थ्री मिलियन पीपल आर सेव बी किल्ड ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर तो उसके बाद फिर औरतों का स्टेटस बहुत बढ़ गया औरतों की एम्पावर्मेंट बहुत डिलिब्रटली एक मनज़म ऑर्गेनाइज्ड तरीके से औरतों की एम्पावर्मेंट की गई अब इस वक्त आप वहाँ की बांग्लादेश की औरतों की लिटरेसी फिगर्स देखें हेल्थ फिगर्स देखें पॉपुलेशन फ़िगर्स देखें पॉवर्टी फ़िगर्स देखें एम्प्लॉयमेंट फिगर्स देखें आप हैरान रह जाएंगे कि ये साउथ एशिया का एक मुल्क है so it's, you know, it's a mixed picture. like in india, pakistan or afghanistan, achha, afghanistan ka is, is uh, data ke andar ana, as one of the most dangerous countries in the world for women. hai hmm. in 1979, seleke, Aaj 2024 तक, afghanistan is in a state of war. Hmm. yeah, civil war. yeah, war of occupation. पहले उस ज़माने में सोवियत यूनियन कहलाता था अब रशियन फेडरेशन है और अलग अलग हो टूट गई सोवियत यूनियन उन्होंने दिसंबर 1979 में इन्वेड किया था और ऑक्यूपाई किया था अफ़गानिस्तान को उसके बाद फिर तालिबान का रोल आया उसके बाद फिर आपको पता है नाइन अलेवन हो गया था न्यूयॉर्क में और आ, अमेरिका ने और उसके इतिहादियों ने इन्वेड किया था और ऑक्यूपाई किया था अक्टूबर टू से लेके अभी अगस्त ट्वेंटी uh, तक उसके बाद फिर जो कुछ हुआ आ, हम बुरा नहीं मान सकते हम हैरान नहीं हो सकते कि अफगानिस्तान इतनी खतरनाक जगह क्यों है लेकिन पाकिस्तान हम कौन सा तालिबान रोल के नीचे रहे हैं हम सोवियत यूनियन के नीचे कब रहे हैं अमेरिका ने बिल्कुल यू टुक वर्ड्स आउट ऑफ माय मार्क मटेरियली और और इमोशनली और 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 मेंटली uh, और इकोनॉमिकली तो हमें ऑक्यूपाई किया हुआ है और इन्वेड किया हुआ है लेकिन एक्चुअली बोट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है अमेरिकन पाकिस्तान के अंदर तो वाई पाकिस्तान उसके साथ वाई इंडिया ये गौरतलब बातें हैं इनको हम किसी और दिन के लिए उठा के रखते हैं अच्छा जब हम थोड़ा सा हिस्ट्री भी स्टडी करते हैं तो एक टाइम था मिलिट्री डिटेटरशिप के अंदर ही ज़िया के टाइम में जब uh, कुछ हदूद ऑर्डिनंस थी um, और कुछ जिना रिलेटेड रूल्स में बहुत सारी औरतों को अरेस्ट किया जा रहा था बहुत सारी औरतों को हरास किया जा रहा था थोड़ी सी uh, उस ज़माने की हिस्ट्री अगर आप हमें बता दें कि क्या हो रहा था देन विल गेट टू एंड द फर्स्ट ऑफ औरत मार्च स्टार्टेड um, तो उस ज़माने में क्या हो रहा था और ये हदूद ऑर्डिनेंस थोड़ी सी अगर आप हमें समझा दें uh, औरत मार्च ट्वेंटी एटीन हक़ 1979 टू 1988 जी बहुत अरसा दरमियान में और आपने मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए कहा था कि काफ़ी अरसे से मैं एक्टिविज्म में हूँ 45 फाइव ईयर्स टू बी प्रिसाइज सो आई एम सेवेंटी ईयर्स ओल्ड एंड आई एम बीन एक्टिव इन इन द ह्यूमन राइट्स मूवमेंट फॉर फोर्टी फाइव ईयर्स हक के पास कोई सियासी पोलिटिकल लेजिटमेसी नहीं थी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी बस बंदूक का जोर था क्योंकि फौजी आमिर डिक्टेटर था और उसके पीछे मार्शल लॉ था तो उसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग सपोर्ट नहीं थी एंड एज आई सेड कोई लिजिटमेसी नहीं थी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी लिहाजा उसने सोचा कि मैं अब किसकी मदद लूँ और बहुत आसान सी बात होती है मजहबी सियासी जमातें आ, पता नहीं आपके सुनने वाले देखने वाले आ, 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 थोड़ी सी पंजाबी क्योंकि आपको पता है कि कैबिनेट जब अनाउंस हुआ फेडरल कैबिनेट इस नई हुकूमत में तो वो 95 फाइव परसेंट पंजाबी कैबिनेट और सिफर परसेंट औरतें एक औरत वो भी मिनिस्टर आधी मिनिस्ट्री उसको मिली हुई तो हमें अब थोड़ा सा ये सोच लेना पड़ेगा कि ये पंजाबिस्तान है पाकिस्तान शायद कम रह गया है मैं नेगेटिव बातें आमतौर पे करती नहीं हूँ लेकिन जो हमारे सामने हकाक नविश्ता दीवार हैं उसको हमें उसके बारे में बात करनी लाजमी हो जाती बैक टू ज्याल तो उसने मजहबी सियासी जमातों का साथ लिया नंबर एक और नंबर दो उसने सऊदी अरब जैसे उस वक्त हम एम की बात नहीं कर रहे आजकल सऊदी अरेबिया एक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक मुख्तलिफ मुल्क है जिस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ नाइनटीन सेवनटी नाइन टू नाइनटीन एटी एट वह एक मुख्तलिफ मुल्क था नहाय कंजर्वेटिव नहायत ऑर्थोडॉक्स नहायत बिगटेड नहायत एक्सट्रीमिस्ट वहाबी सलफ़ी एक अजीब तालिबानाइज्ड किस्म का एक मुल्क था एक सुन्नी इस्लाम लेकिन एक्स्ट्रीमली एक्स्ट्रीमिस्टाइज वहाबाइज uh, किस्म का एक एक मुल्क हुआ करता था तो जब रिलीजस पोलिटिकल पार्टीज़ और सऊदी अरब से अनगिनत पैसे आ रहे थे फंडिंग और जनरल जियालक यहाँ पर बराजमान था तो पाकिस्तान को इस्लामाइज़ेशन प्रोजेक्ट दिया गया और आपको अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान तो वो मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट आ गया सो so, इस्लाम तले दो तबका पिस गए थे नॉट द मैन ऑफ पाकिस्तान सुन्नी मर्द पाकिस्तानी पिसे नहीं और दबे नहीं औरतें पिसी, गैर मुस्लिम मजहबी अकलीतें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ पिस गए और शिया ग्रुप जो सेगमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन है वो पे से है। बहुत पैसे बहुत तशद किया गया हम सब के ऊपर बहुत तशद किया गया और फिर इस्लामाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत दे जा बजा किस्म के ऑर्डिनेंसेस आने लगे क्यों ऑर्डिनेंसेस आने लगे क्योंकि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट तो था नहीं तो आप जब लेजिसलेशन करना चाहते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं और मस्क करना चाहते हैं तो फिर आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के थ्रू करते हैं ना आपके पास कोई लेजिटमेसी तो है नहीं कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट तो है नहीं तो एक पंजाबी में एक नई सियासी जमात ने जन्म लिया है जिसका नाम है जे जे यू एन अब आप पूछेंगे जे जे यू एन तो आपने कभी नाम नहीं सुना है किसी ऐसी पोलिटिकल पार्टी का कि वो कौन सी सियासी जमात है आपको मैं बताती हूँ कि वो कौन सी सियासी जमात है जे जे यू एन जेड़ा जिते उदे नाल ठीक है ना दिस मेंट टू बी अक यूर अलाउ ट लिहाजा तमाम मजहबी जमातें जनरल जिया हक के साथ हो गई थी और औरतों पर शदीद मजालम किए गए हदूद ऑर्डिनेस प्लास्वी लॉज उसमें सब आ गए थे उसमें रिलीजस माइनॉरिटीज भी आ गई थी शिया एलिमेंट्स भी आ गए भी आ थे और वो प्रोग्रेसिव मर्द पाकिस्तानी क्योंकि हम अगर औरतों की बात कर रहे हैं और मजहबी अकलीतों की बात कर रहे हैं तो हमें पाकिस्तानी प्रोग्रेसिव रोशन ख्याल मर्दों को नहीं भूलना चाहिए थे और हैं और रहेंगे पाकिस्तानी मर्द जो कि औरतों के साथ भी खड़े हैं मजहबी अकलीतों के साथ भी खड़े हैं शियास के साथ भी खड़े हैं और उन लवाकिन के साथ भी खड़े हैं जो कि जबरी तौर तो पर गुमशुदा अफराद और वो मीडिया जिनको बहुत शदीद किस्म की सेंसरशिप और इस वक्त बहुत बुरा हाल है मीडिया का जो कि ज़रा से रोशन ख्याल और प्रोग्रेसिव सोचने वाले और उनकी जिनकी लिबरल आइडियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त तो हम चाहे हम मर्द हैं या औरत हैं हम खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे इस तकामत के साथ आ, आप बार बार पूछ रहे हैं हदूद ऑर्डिनेंसेस के बारे में उसके लिए मैं समझती हूँ कि आपको एक और बिल्कुल अलहदा एक सेशन रखना पड़ेगा क्योंकि 11 साल बड़ा जमान रहा जनरल नब्बे जे, दिन के लिए आया था नबे दिन के लिए मैं आया हूँ और फिर मैं इलेक्शन करा दूंगा और सिविलियन हुकूमत पे वापस चले जाएंगे और डेमोक्रेसी होगी लेकिन जो हशर उसने 1973 के आइन का किया जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव आइन था इक्वालिटी एक्सेप्टेंस ऑफ प्लोरलिजम एंड डाइवर्सिटी और रिलीजस माइनॉरिटीज uh, के साथ सिर्फ ये जो लफ्ज़ है ना बर्दाश्त या टॉलरेंस ये बहुत गलत लफ्ज़ है बिल्कुल। हमें टॉलरेंस नहीं चाहिए हमें बर्दाश्त नहीं चाहिए equality, हमें रिस्पेक्ट चाहिए हमें बराबरी चाहिए हमें मसावत चाहिए हमें अदलो इंसाफ होता हुआ देखना चाहिए और हमें एक तस्लीम करो एक्सेप्ट करो रिकगनाइज़ करो एज़ इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तो नाइनटीन सेवनटी थ्री का आइन तो बहुत प्रोग्रेसिव आइन था जो जनरल ज़िया उल्हक ने उसके साथ किया उसके लिए बर मेहरबानी आप एक अलहदा सेशन रखिएगा क्योंकि फिर हमने आपको बताना है कि ना सिर्फ ये कि ज़िया की फॉर्चुटस शुक्र रिमूवल फ्रॉम द सीन गुड रिडन्स के बाद सोसाइटी कैसे चेंज नहीं जी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमतें आई और गई और आई और गई और मुख्तलिफ जमातें आई और गई खास तौर पे तीन जमातों का जिक्र करना है पीपल्स पार्टी आई पीएमएल एम नोन आई पीएमएल क्यू आई और फिर पीटीआई uh, तो चार जमातों का जिक्र करना फिर ऑफ़ पार्टीज एलाइड एम क्यू एम एन पी वगैरह वगैरह जो बात हम उठा के रख रहे हैं किसी और आइंदा के सेशन के लिए वो ये है कि हम जैसे लोग एक्टिविस्ट्स वमेंस राइट्स एक्टिविस्ट माइनॉरिटी राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह मीडिया राइट्स एक्टिविस्ट्स, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट वगैरह वो कहते रह गए मुतालबा करते रह गए डिमांड करते रह गए कि जब आप अठारहवीं आईनी तरमीम कर रहे हैं दो हज़ार दस में अंडर द पीपल्स पार्टी और आपने ऑल पार्टीज कमेटी बनाई हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कमेटी तो उसमें आप वंस एंड फॉर ऑल जनरल जयाल्हक की एथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाइनटीन एटी फाइव पार्टी लेस इलेक्शनस हुए थे उसमें भी जे जे यू एन के लोग थे बहुत सारे <laughs> मैंने बताया ना इट्स इट्स अ वंडरफुल पॉलिटिकल पार्टी इट्स द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इट्स इट्स डोमिनेटिंग एंड द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैव एवर हैड और एवर विल हैव है हम जैसे लोग इन राइटिंग पब्लिकली स्पीकिंग ऑन द मीडिया लिख लिख के लिख लिख के भेजा कि जी एथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिपील करवा दो वंस एंड फॉर ऑल एटीन तो कॉन्स्टिट्यूशन में लेटस गो बैक टू दिन आपके सवाल सब अच्छे हैं और सब बदकिस्मती से दो दो घंटे का जवाब मांगते हैं और वो हमारे पास है नहीं पावर पॉलिटिक्स एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मिलिट्री रूल ओके मैं एक जमहूरियत पसंद डेमोक्रेट हूँ शुरू से और आखिर तक तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि सियासतदान गंदे हैं और सियासी जमातें गंदी हैं मैं ये कह रही हूँ तुम्हारी पॉलिटिक्स गंदी है तुम पावर पॉलिटिक्स करते हो हम आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं तुम्हारे और हमारे में ये फ़र्क है ठीक है आपके सवाल का जवाब इसी में पिना है और जब ये सारा हुआ आपको क्या लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी में 1973 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस बिकॉज ऑफ जिया आए बिकॉज ऑफ़ उस जमाने में जो चेंजेस आए थे नॉट ओनली डेमोक्रेटिकली लेकिन इवेंचुअली हमारी ऑलमोस्ट सोसाइटी की फैब्रिक बदल गई थी बिल्कुल और आज तक हम उससे रिकवर कर रहे हैं सोच फैब्रिक के साथ साथ हमारी सोच कुछ अजीब व गरीब दुनिया आगे जा रही है पाकिस्तानी लोगों की बिलुमोम आपकी एक्सेप्शन की नहीं मैं बात कर रही हूँ आप एक, एक आप अपने आप को एक माइनॉरिटी में इस वक्त समझिए ये कोई अच्छी बात नहीं है कि बिल्कु, आप इस वक्त माइनॉरिटी ठीक है आप जैसे लोग खासतौर पे आजकल के नौजवान लोग आप जैसे बाय द वे नौजवान दूसरी साइड में भी बहुत है ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव एक रुझत पसंद कदामत पसंद आ, पीछे जाने वाले रिग्रेसिव सोच वाले

ख़वाीन महाज अमल अंग्रेज़ी में वूमेंज़ एक्शन फोरम जी आ, पैदा हुई ठीक है पैदा हुई क्यों पैदा हुई क्योंकि जिना ऑर्डिनेंस जिसके बारे में आपने शुरू में सवाल किया था के तहत एक औरत और एक मर्द को संसार करके मार देने का फैसला जियाउल हक़ के कोर्ट्स ने सुनाया मैं जुडिशरी की बहुत इज्जत करती हूँ और और एहतराम करती हूँ लेकिन हक की जुडिशरी को हम यूं करके बात करेंगे हक की जुडिशरी ठीक है एज आई सेट आई डोंट बिलोंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी आई डोंट सपोर्ट एनी पोलिटिकल पार्टी मैं पीपल्स पार्टी की भी मेंबर नहीं हूँ ना सपोर्टर हूं ना वोटर हूं लेकिन जो उन्होंने ल्फ़ार अली भुट्टो शहीद के साथ कर दिया अप्रैल 1979 में वो हमारी तारीख का एक ऐसा धब्बा है कि हम आज से लेके एक हजार साल तक उसको मिटाने की कोशिश करें वो मैकबेथ में नहीं वो कहती नहीं। थी कि मैं साबुन से हाथ धो रही हूं नहीं। और नहीं। वो ये ये खून के धब्बे नहीं हटते तो इसी तरह हक के के माथे पर से वो खून का धब्बा कभी नहीं निकलेगा जो उसने एक शैम और अभी 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 अभी, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाजा बेंच ने जो फैसला सुनाया है जो मुझे सवाल आ रहे हैं कि जी उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जेड ए बी डिड नॉट कमिट द मर्डर बिकॉज दैट वॉज नॉट द्वेश्चन दैट वॉज आस्ट इन द प्रेजिडेंशियल रेफरेंस और प्रेजिडेंशियल रेफरेंस किसने किया था प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौर में अब तो वो दूसरे दौर, दौर ले में है ना जी, जी। तो उन्होंने जब वो सब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था ये सवाल ही नहीं था उनको पांच सवाल भेजे गए थे उन्होंने पांचों सवाल के जवाब दे दिए एक सवाल का जवाब वो इसलिए नहीं दे सके क्योंकि उसमें इस्लामिक एस्पेक्ट था उन्होंने कहा कि हमें कोई आके इस्लामिक स्कॉलर इसका जवाब दे हमारी मदद करे हमारी मुआवनत करे एज ए माइकस

कि जब पी की औरतों को ख़ास तौर पे सीनियर खातिन को डॉक्टर यासमीन राशिद जैसे लोग हो गए डॉक्टर शरीन मजारी जैसे लोग हो गए सीनियर लोग एंड द अदर दमेन जितनी भी औरतों को पिकअप किया गया पूरे पाकिस्तान से और जेलों में डाला गया उस वक्त मेरे जैसे लोग ख़ुद नुमाइशी हो जाएगी इसलिए मैं मेरा ख़्या है कि बात को मुखसर कर लेती हूँ वरना मैं काफी कुछ कह सकती थी कि पिछले चार बरस में पी के पौने चार बरस पी के दौर में हमारे साथ क्या कुछ हुआ चलें आई शुड राइज अबव एंड शो सम मैगनानिटी ऑफ हार्ट ठीक है थोड़ा सा अपने आप को हमें ऊपर राइज कर करना जी। नहीं जी ऊपर राइज करना है ताकि हम भी उनकी तरह ना हो जाएं सबसे पहले किसने आवाजें उठाई खुवात महाज अमल ने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हम जैसे एक्टिविस्ट जो कि सड़कों पे हैं सबसे पहले हमने आवाज उठाई कि इन औरतों को या तो रिहा करो या बेल पर जमानत पर इनको बाहर निकालो और इनके जो केसेस हैं उनको फास्ट ट्रैक करके खत्म करो मे नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नाइन्थ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अब हम मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में है, ये क्यों अब जेल में जेलों में सड़ रही हैं किसने आवाज़ उठाई हमने आवाज उठाई और आप लोगों ने जो हमारे साथ किया था वो हम किसी और दिन चलें उसको भी पाक करके रख लेते हैं उसको भी किसी और दिन जिक्र कर लेंगे ठीक है हमने नहीं उसको एक सेकेंड एक सेकेंड आई नॉट फिनिश्ड इद्दत और निकाह का केस का जिस दिन फैसला सुनाया गया चंद घंटों के अंदर सड़कों पे कौन थी हम थी मैं मगरूर नहीं हूं मैं गरूर और तकबर बुरी चीज होती है ख़ुद नुमाइशी बुरी चीज़ होती है लेकिन औरतें निकली सड़कों के ऊपर पीटीआई की औरतें नहीं निकली जो जेल से बाहर हैं वो नहीं निकली पीटीआई के मर्द नहीं निकले हम निकले और हमने धुआंधार तकरीरें की और बैनर्स और प्ले और पोस्टर्स बना के खड़े हुए हम कि ये गलत है ये जो तुम इस वक्त कर रहे हो ये इनतम की सियासत है और ये इद्दत और निकाह तुम लोगों के बेडरूम्स में घुस गए तुम लोगों के घरों के अंदर घुस गए तुम लोगों के माफ कीजिएगा, जगह यू कैन सेंसर दिस इफ यू लाइक आफ्टर तुम लोगों के वॉशरूम्स में घुस गए हो वॉट द हेल इज गोइंग ऑन इन 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 द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हमने जो शोर मचाया है इस इद्दत ने के, के फैसले के ऊपर और किसके लिए बनाया है उनके लिए जिन्होंने कहा था कि और पाकिस्तानी औरतें इसलिए रेप होती हैं कि वो फहाश कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं और पाकिस्तानी मर्द रोबोट नहीं है उस पर उस दिन उस दिन ड्यूरिंग द पी टी आई आ, आ, रूल उस दिन मेरा बैनर क्या था मेरा आ, पोस्टर क्या था प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान मस्ट शुड कुड नहीं, मस्ट apologize नॉट ओनली to 48.9 women of Pakistan, परसेंट to ऑफ पाकिस्तान बट of Pakistan who परसेंट not ऑफ पाकिस्तान हो नॉट रेपिस्ट ये आपके ऊपर भी शदीद किस्म का एक तोहमत थी आपकी भी बेजती हुई है इस उस रिमार्क के अंदर जो कि बहुत सारी फॉरन मीडिया को दया, दिया गया था उस वक्त इकतदार में जब आप थे तो, तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी औरतें तो सड़कों पर निकल आई हैं कि हम रेप किस लिए होती हैं और क्यों होती हैं ये तो वही मुशरफ वाला हो गया जो कि मुख्तार बीबी के, के सिलसिले में उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को जो इंटरव्यू दिया था टू थाउजेंड टू या थ्री में मुझे अब इस वक्त याद टू थाउजेंड फोर में दिया था आ, याद आ गया तो आप में और फिर मुशरफ में फर्क क्या रह गया हजूर और पाकिस्तानी मर्द सड़कों पे हमारा सवाल आपसे यह है और आपकी वसात से पाकिस्तानी कौम से मैं पूछती हूँ कि उस दिन पाकिस्तानी मर्द सड़कों पर क्यों नहीं निकले तादाद में हमारे साथ थे कुछ थे सलाम उन मर्दों को नहीं जी पूरी की पूरी मुल्क को बाहर निकल आना चाहिए था कि खबरदार जो तुमने हमारी इतनी तजीक और तोहन की नहीं आप, आप सही कह रही हैं थैंक यू थैंक यू मैं इसको वापस अगर हम और मैंने मा... कहा था ना कि ना। हम दस बारह मुख्तलिफ चीजें पाक और... करके दस बारह पॉडकास्ट हो सकते हैं अच्छी बात है अच्छी बात है कंटेंट फॉर लेटर अच्छा अब मैं दो तीन और माज रिलेटेड सवाल आपसे पूछता हूँ में बात की उसका टू थाउजेंड एटीन में एक ऑर्गेइज मूवमेंट हुई थी हमारी में नहीं, नहीं ये ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती नहीं। क्योंकि औरत माँच नौजवान औरतें और कुछ मेरी जैसी ढेड़ उम्र की औरतें और और बूढ़ी औरतें भी हैं साथ लेकिन ये ना कहिए कि यह पहली मरतबा ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ था क्योंकि वेमेंस एक्शन फोरम और बहुत सारे इदारे गैर सरकारी इदारे मसलन औरत फाउंडेशन हो गया और हो गए शिरकत का से मौत जी इस जी, जी। है। एक लगता ही है जब लोग औरत मार्च की बात करते हैं 2018 बिल्कुल सही फरमाया आपने 2018 तो क्या नाइनटीन एटी में जिया के के के, के बाद से लेके 2018 तक कोई 30-40 साल के बहुत बड़ा कोई वैक्यूम था नहीं 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 काम चल रहा था हमारी जिद्दोजहद चल रही थी हमारा स्ट्रगल चल रही थी हमारी स्ट्राइविंग चल रही थी हमारी जिद्दोजहद कभी भी ख़त्म नहीं हुई और हमने 8 मार्च के साथ साथ 1983, 12 फरवरी उन्नीस सौ तिरासी ट्वेल्व नाइनटीन को पाकिस्तानी वेमेंस डे करार दे दिया क्योंकि उस दिन हक की पुलिस ने शदीद तशदद किया था औरतों के जुलूस के ऊपर लाहौर में लाहौर हाईकोर्ट से रीगल चौक तक जब जा रही थी तो शदीद किया, मारा पीटा सर फटे खून निकला और फिर उठा उठा के वैनों में भर भर के जेलें भरी गई उस वक्त तो खातिन महाज अमल पंजाब वेमे लॉयर्स एसोसिएशन और चंद हमारे हमारे साथी मर्द मसलन हबीब जालिब साहब अब दहर में बेयारो मददगार नहीं हम पहले की तरह बेकस और लाचार नहीं हम बहुत मशहूर नज़म तो उसको भी पार्क कर देते हैं वो भी सुनाएंगे किसी दिन ठीक है आ, इतनी चीजें पार्क हो गई हैं कि दिस पार्किंग लॉट इज वेरी फुल ना अच्छी बात है अच्छी बात है तो देखिए 1981 से लेकर 2017 तक 2017 तक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई वैक्यूम था मार्चिस चलते रहे मसल परदार हम लोग निकालते थे 8 मार्च को 12 फरवरी को उसको हमने एक तरह से वक्फ कर दिया मखसूस कर दिया स्पेशली फॉर द वेमेंस एक्शन फॉर ओके आई एम नॉट वेयरिंग माय वाइफ तो पटर टूडे बट आई आई कुड बीन वेयरिंग इट बट राइट नाउ इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू टू वेयर माय पैलेस्टाइन स्का्फ तो वो मनाए जाते हैं दोनों दिन mm -hmm. अब पूछने वाले सवाल ये करते हैं कि आप एक दिन या दो दिन औरतों का क्यों मनाते हैं एक दिन के लिए स्पीचेस हो जाती हैं फंक्शन सेमिनार्स वॉक्स रैलीज मार्चेस मशल बर्दार जलूस आप लोग अपनी टॉर्चेज़ लेकर निकलती हैं फिर बाकी दिन क्या होता है गरीब औरत तो गरीब ही रही मज़दूर और, और और किसान औरत तो अपने हाल पर रो रही है उसके लिए कोई कुछ कोई दिन नहीं है उसको तो आठ मार्च को भी मेहनत मज़दूरी करनी होती है बारह फरवरी को भी उसको मेहनत मज़दूरी ये सवाल आप कर सकते हैं और ये एक वैलिड सवाल है लेकिन ये सवाल मतलब मेरा इसमें यह होगा कि आप पहले एक एफर्ट तो मारेंगे ना अगर आप उससे शुरू नहीं करेंगे तो शुरुआत तो कहीं से होगी ना कतरा कतरा दरिया बनता yes. है अच्छा अब आप मुझे बताएं वोट गोल्स यू नो आई नो मार्जिलइड कम्यूनिटीज़ जो आपने अभी बात की देखें है वो है हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है पाकिस्तान हाँ, कोई रेटिंग्स में भी ऊपर जा रहा है ऐसा हाँ, नहीं है कि औरतों हाँ, के लिए बेहतरी हो रही लेकिन कुछ सॉफ्ट गोल्स या कुछ आ, अगर आप मुझे बताएं अचीवमेंट्स hmm. औरत मार्च के अभी तक व्हाट वुड यू हाईलाइट एज फ्रॉम चलो टू था से ले लें बेश आज तक क्या अच्छी पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस uh, हुए हैं पहले मैं जरा सब पीछे जाऊँगी hmm. मुझे बहुत अच्छा लगा जब औरत मार्च पर मुझ नो वाइट हेड रोल वूमन को नौजवान लड़कियों और औरतों ने यूथ एंड यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स एंड दोज और जस्ट कंप्लीटेड दर स्टडीज यंग गर्ल्स और यंग वुमेन ने आके मुझ जैसों को कहा सीनियर सिटीजन के ताहरा आपा आपका यहां आना हमारे लिए अब मैं कोट कर रही हूं वह बेटर मैं आपको तीन बातें कहना चाहती हूं ताहरा आपा बट ऑब्वियसली हम्मा चोल रहे तो ताहरा आपा आउट ऑफ रिस्पेक्ट पहली बात है कि आपका यहां आज सिर्फ होना हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है नंबर टू दैट यू आर स्टिल डूइंग इट इवन एट दिस एज ये भी हैरानगी की बात है और तीसरी बात जो कही और ये मैं बांध के रखूंगी टिल द डे आई डाई एंड इट्स अ लिटिल इमोशनल कि आपकी वजह से खुतिन महाज अमल की वजह से और जितने अभी मैंने इदारों का नाम लिया एन एंड एंड ग्रुप्स प्लेटफॉर्म्स उनकी वजह से आपके कंधों पर चढ़कर आज हम यहाँ पहुँची हैं कि वी फील ब्रेव इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि हम अब औरत मार्च करती हैं सो so, मुझसे अभी किसी ने परसों ही पूछा कि आ, औरत मार्च में और ख़वान महाज अमल और ख़वान की एन जी ओज़ केप के मार्चेस और मशल बदार जुलूसों में और जद्दोजहद में और और स्ट्रगल में क्या फर्क नजर आता है तो आइए मैं आपको बताती हूं फर्क यह है कि स्टाइल मुख्तलफ हो गया है हमने बहुत तशद सहा बाय दो वे हमने फिजिकल फिजिकल वायलेंस हमारे ऊपर पुलिस ने और इंतजामिया ने और स्टेट रियासत की तरफ से फिजिकल वायलेंस की गई बहुत ज्यादा जनरल जियाउल के वक्त में आप कुछ बोलना मैं, मैं बस ये पूछ रहा था कि अब तो फिजिकल वायलेंस नहीं होती ना अब जिस तरह <laughs> दो तीन एक्सक्यूज पर... अच्छा, 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 मी रुक जाए जाए रुक रुक जाइए जो इस्लामाबाद आई की एडमिनिस्ट्रेशन और इस्लामाबाद की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस ने गैर मुसल ने थोड़ी सी औरतों के साथ आठ मार्च 2024, 2024 को कर दिया हमारी कराची की साथी हमारी लाहौर की साथियाँ हमारी पेशावर की साथियाँ हमारी क्वेटा की साथियाँ है, हमारी हैदराबाद और लक लाड़काना और सक्कर की साथियाँ मुल्तान की साथियाँ वो हैरानगी से हमें कॉल कर रही हैं और मैसेजेस भेज रही हैं कि तुम लोगों ने किया क्या था कि इतना पुलिस ने तुम पर तशद्द किया अनप्रोवोक्ड जवाब इसका यह है कि औरत मार्च के जो नारे हैं वो पिछले नारों से बेबाक हैं बोल्ड है मेरा जिस्म मेरी मर्जी बल्कि मैं सही तरीके से कहूं मेरा जिस्म मेरी मर्जी मैं सत्तर साल की उम्र में भी आकर यही नारा लेके उनके साथ चलती हूँ जो कि हमने 2018 से पहले नहीं ये इस्तेमाल किया था हमें करना चाहिए था लेकिन हम एक मुख्तलिफ पौध के हैं हम एक मुख्तलिफ नस्ल से हैं और चीज़ें एवोल्यूशन में जाती हैं बिल्कुल वी हैव टू एवोल्व एंड गो फॉरवर्ड वरना तो फिर हम पीछे की तरफ चली जाएंगे मेरी नानियाँ दादियाँ मार्च क्या करती थीं बर सगी साउथ एशिया जनूबी एशिया की आजादी के लिए लेकिन मेरी नानियाँ और दादियाँ और पर नानियां पर दादियां बुरखे में होती थी हमारी नानियाँ और दादियाँ सर पर दुपट्टा लिया करती थी मेरी वालदा ने कभी सर पर दुपट्टा नहीं लिया लेकिन इसका मतलब है कि वो खुदा न खास्ता बेहया थी थी इट मेक्स मी वेरी एंग्री इट मेक्स मी एक्सट्रीमली एंग्री वन आई तुम फहाश हो तुम बेहया हो तुम्हारा लिबास ऐसा है लिहाजा यू मस्ट बी रेप्ड वॉट नॉन सेंस इज दिस दैट इज वाई आई एम अ पार्ट ऑफ औरत माच क्योंकि तुम्हारी सोच नहीं बदली छिहत्तर बरस का पाकिस्तान हो गया hmm. तुम्हारी सोच नहीं बदली आई डोंट टू ब्रिंग रिलीजन इन टू दिस डिस्कशन लेकिन तुम्हें कोई चीज़ इजाजत नहीं देती तुम्हें तो कानून और आइन और मजहब और अखलाकियात और तो तुम्हारी इंसानियत तुम्हें तो इजाज़त नहीं देती औरतों के बारे में इस तरह की देखिए सोच रखना एक तो पेदरशाही की सोच होती है एक अंग्रेजी जबान अगर हम बात आप कह रहे हैं मिक्स बात कर लो बेश ठीक है मैं मिक्स बात कर लेती हूँ शोविनिज्म होती है सेक्सिज्म होती है पेट्रिया होती है आजकल उससे बढ़ गया है मिसोजनी होती है अब वो जो कुछ समझते नहीं हैं इतनी अंग्रेजी औरतों और बच्चियों और, और ट्रांसजेंडर्स से नफरत नफरत कूट कूट कर मेरे दिल में और मेरे जहन में अगर एक एक खास जिन्स के लिए या दो जिन्स के लिए नफरत भरी हुई है तो फिर मैं वो पाकिस्तानी वो बदकिस्मत पाकिस्तानी मर्द हूँ जो क्या करेगा मेरे लिए वो ये वो पाकिस्तानी मर्द है जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ उसकी बहन शायद उसकी बीवी बीवियाँ भी जूती की नोक पर हैं और उसकी बेटी तो माँ बहन और बेटी और कभी कभी इक्का दुक्का बीवी वो काबिल इज़्ज़त है एहतराम है और तहफ़ बाक़ी सब औरतें मुफ्त का माल हैं माल गनीमत हैं मैं रोन तू मैं मैं रेप करना चाहता हूं रेप कर दो एसिड फेंकना चाहता हूँ एसिड फेंक दो जो मर्जी मेरा जी चाहता है दे आर फ्री ऑफरिंग्स इन इन्वर्टेड कॉमर्स मैं कहना ये चाह रही हूं और मिसोजनी से आजकल मुझे तो ये लफ्ज नहीं मालूम था क्योंकि आपको पता है मैं सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं हूं इंसेलिज्म भी आ गया है वो भी जिनको नहीं मालूम वो डिक्शनरी को देख लें कि वो क्या चीज होती है वो मिसोजनी से भी दस कदम आगे मर हैं लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि आपको कभी आपने दो मिनट खामोशी इख्तियार करके आपसे मुराद आप नहीं हैं <laughs> बेुमूम बात कर रही हूँ आपकी बात तो मैं कर ही नहीं आ, रही आ, कहीं कोई सुनने वाले ए, देखने वाले गलत फहमी का शिकार हो जाए कि ये इंटरव्यू से गुफ्तु करे उन मर्दों से मैं हाथ बांध के कहती हूँ कि किसी दिन पाँच छः सात आठ दस मिनट निकालो खामोशी में बैठ जाओ अपने तमाम डिवाइस बंद कर दो तो। दरवाज़े खिड़कियाँ बंद कर दो तो। और सोचो कि ये जो आधी आबादी है ये इतनी बेज़ती तोहन तजहीक नफ़रत की मुस्तक है क्या ये इंसान नहीं है अगर मैं एक पाकिस्तानी मर्द के नाते इज्जतदार हूं तो वो इंसान नहीं है वो इज्जत के मुस्तक नहीं है इज्जत के काबिल नहीं है या सिर्फ मेरी माँ और मेरी बहन और मेरी बेटी इज्जत के काबिल है ये बहुत गहरा सवाल है ये कोई सतही ऊपर ऊपर सरफेस का सवाल नहीं है आपको आपने हमारी डिमांड्स का पूछा था उसका जवाब अभी नहीं आया एक लाइन में मैं कह देती हूँ 42 फोर्टी टू डिमांड्स थी इस साल जी, जी, तो वो तो आप ना आपके पास वक्त है ना ना मैं बाई हार्ट्स आपको फोर्टी टू डिमांड्स नौ शोबों में फोर्टी टू डिमांड्स थे इस्लामाबाद औरत मार्च की तरफ से बाकी भी तमाम शहरों में बाई द वे सक्खर और लाड़काना में जितने बड़े मार्च निकले थे औरत मार्च इस साल वो शायद कभी शक्र और लड़काना की तारीख में कभी ना निकले आपने डिमांड्स का पूछा था मैं जल्दी से एक लाइन कर दूँ फिर आपका आखिरी सवाल जो मुझे जब मैंने वो पढ़े औरत माच के क्योंकि मैं तो आपको पता है, औरत माच की इनिशिएटर या फाउंडर नहीं। मेंबर नहीं हूँ सपोर्टर ज़रूर हूँ तो मुझे एक अंग्रेजी या फ्रेंच जबान का एक लफ्ज़ है डिज़ा व्यू दोबारा तो से लगा कि ये तो पहले भी कभी कहीं पता चला कि 1981 में जो हमारे डिमांड्स थे वो वही है वो वही चलते चले आ रहे हैं और क्यों है नहीं सॉरी एक चीज़ का इजाफा हो चुका है साइबर हरासमेंट एंड साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन हरासमेंट जो हो रही है औरतों की और ट्रांसजेंडर्स की तो वो एक नया एक शोभा आ गया है बीच में बाकी सब वही के वही हैं तो इसलिए कुछ बदला है कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं हमारी औरतें और बच्चियाँ और नौजवान औरतें आगे आ रही हैं अहतमाद के साथ कॉन्फिड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इज्जत भी करवाना जानती हैं अपनी जगह भी सोसाइटी में बना रही हैं अपनी स्पेस पैदा कर रही हैं अपनी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं ये एक बहुत बड़ी बात है चाहे किसी के कंधों पे खड़ी हुई हो किसने उनके लिए राह हमवार करते चले गए कि जी आओ हम हमने मारे खा ली और जेलें काट ली और सब कुछ कर लिया आओ अब आपकी आपके दिन आए आपकी बारी आई है बट वो डिमांड्स हमारी वही की वही चाहे सियासी शमूलियत हो थर्टी थ्री परसेंट अभी तक ना रिजर्व सीट्स हैं ट्वेंटी परसेंट ना डायरेक्ट सीट्स हैं इसी तरह तमाम शोबे ले लें इम्प्लॉयमेंट का शोबा ले लें तालीम सेहत का शोबा ले लें कोई शोबा ले लें हमारे डिमांड्स वहीं के वहीं हैं हमारे मुतालबात नहीं बदले बल्कि हमारे मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं आप हमें देने को तैयार नहीं हो मेरा आखिरी सवाल है इसी से रिलेटेड है um, मैं पूछना चाह रहा था कि यू बिन डूंग दिस फोर फोटी फ़ाइव यर्स आपने ख़ुद बताया और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ प्रोग्रेस आपके सामने है अगर नाइनटीन एटीज़ से लेकर आज तक लगभग वही चीज़ें मांगी जा रही हैं तो क्लियरली प्रोग्रेस बहुत स्लो है अगर है एक तो आप ये उम्मीद कैसे रखती हैं जब चालीस साल से इतना कम आ, यू नो वो नीडल मूव हो ही बहुत कम हो रहा है और फिर उस जमाने में जब आपने शुरू किया उस ज़माने में तो एक्टिविज़म अब तो खैर दिस मच मोर इंटरनेट की वजह से अवेयरनेस है हम सबको 45 फाइव ईयर्स को कितनी अवेयरनेस थी पाकिस्तान मैं तो खैर उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ हुआ था बट डिड यू हाउ डिड यू डिसाइड कि दिस इज़ समथिंग दैट यू नो यूनिटी स्ट्रीट्स फॉर एंड दैन हाउ डू की होप कि यू स्टिल एट माशाट योर एज कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स बहुत बहुत होप वही वाली बात कि अब आपके पास कितने घंटे हैं सवाल सुनने <laughs> के लिए इसको भी पाक कर दीजिए बरए करम वो वो कार पाक बहुत भर गया आ, पहले तो ये कि आपने कहा थोड़ी सी जबान की तसीह कर दूँ क्योंकि मैं ज़बान और और को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ लिंग्विस्टिक्स को समैनटिक्स को टर्मिनोलॉजी को आपने कहा मांग रहे हैं hmm. हम मांगती नहीं है hmm. हम मुतालबा करती hmm. हैं <laughs> सो हाँ। so, हम मांगते oh. नहीं मांगते नहीं oh. हैं मांगे तांगे के हकूक नहीं चाहिए hmm. हमारे मुतालबा है कि जो हमारे हकूक हैं वो कायम रखे जाएं और हमें इस्तेमाल करने की सहूलत की जाए वी हैव टू बी फेसिलिटेटेड एंड प्रोमोटेड एंड यू नो हेल्प एडिड एंड सपोर्टेड टू एक्सरसाइज आर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स तो ये तो जबान की हो गई उम्मीद कैसे कायम रखनी है और कैसे हमारी एनर्जी कैसे मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम इस उम्र में तुम्हारी सेहत का ये आलम है तुम कैसे एनर्जी कैसे कायम रखती हो मेरे ख्याल में एक मोटिवेटिंग फैक्टर गुस्सा भी है अब जब फेडरल कैबिनेट की अनाउंसमेंट आई और उन्नीस मिनिस्टरों में से मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में से सिर्फ एक औरत और वो भी सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट गुस्से वाली बात है ना बिल्कुल तो एक तो हमें गुस्सा मोटिवेट करता है और एक फ्यूल के पेट्रोल की तरह काम करता है ठीक है इस गाड़ी को चलाने के लिए और दूसरा उम्मीद आपने उम्मीद के बारे में पूछा था दुनिया उम्मीद पर कायम है और अगर ना होती तो मैंने चालीस साल पहले ही खुदकुशी कर ली होती कि भाई ये पाकिस्तान तो ऐसा ही है ऐसा ही रहे वो जो इमोजी नहीं है यूं करके ऐसा ही है ऐसा ही रहेगा कुछ नहीं तब्दील होता और मैं एक अकेली क्या तब्दील कर नहीं एक और एक ग्यारह ग्यारह और ग्यारह बाईस ठीक है जितने लोग सड़कों पे अब आप पूछेंगे कि कैसे करना है सड़कों पे बाहर निकलो अगर ज्यादा लोग होते आठ मार्च 2024 को इस्लामाबाद के प्रेस क्लब के सामने तो शायद वो जो पुलिस की औरतें और मर्द जिनको गलत ऑर्डर खुदा जाने कहाँ से आ रहे थे ये भी पाक कर देते ठीक <laughs> है <laughs> ये भी हम आज पाक कर देते हैं इसके ऊपर अलहदा सेशन होगा hmm. जहां से भी उनको हुक्म आ रहा था और इंस्ट्रक्शन आ रही थी अगर आप लोग सब और इस्लामाबाद की आबादी लगभग तीन मिलियन के, के हो रही है लेटेस्ट hmm. सेंसेस तो तीन मिलियन में से एक मिलियन आधा मिलियन पाँच लाख दो लाख एक लाख लोग भी निकल गए बजाय इसके कि हैंडफुल निकले बाहर तो देखिए ड्राइंग रूम में बैठकर मज़े मज़ेदार से बहुत एक आरामदेह सोफे पर बैठकर अगर गर्मियां हैं तो एसी चल रहा है अगर सर्दियां हैं तो तो हीटर चल रहा है तनकीद करना और गुफ्तु करना और वावेला मचाना और हाय हाय क्या होगा हाय हाय ये काफ़ी नहीं है बिल्कुल बाहर निकलना होगा आवाज बुलंद करनी होगी हाथ उठाने होंगे और अगर मैं सत्तर साल में ये कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल सही कह रही प्लेस टू लीव इट थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द पॉडकास्ट बहुत कुछ सीखने को मिला थैंक गाइस फॉर वाचिंग इफ यू इंजॉयर कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल And we'll see you for the next podcast.